एसएमएस में, जिससे अपडेट करना, ऐड करना, डिलीट करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सेस। एक्सेस वही सेम प्रोसीजर, स्टार्ट पे क्लिक करके इधर टाइप एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपके पास जहाँ पे भी ऑप्शन है वहां से आप एक्सेस का ऑप्शन सिलेक्ट करो। मैम मैम, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में सेव होता है क्या पूरा डाटा फिर इसका एक्सेस का? वो देखो, क्लाउड इज अ लेटेस्ट कंसेप्ट जिसमें आपकी मर्जी है, आप चाहो तो लाइक एवरीथिंग, आप चाहो अपना सारा डेटा आप क्लाउड में कर सकते हो। बट करंटली जो अभी हम सेव करेंगे, हम कहाँ करेंगे, हम तो अपने डेस्कटॉप पे करेंगे। डेस्कटॉप पे मतलब व्हाट, अपने जो सिस्टम की हार्ड डिस्क है वहीं पे सेव कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट क्लाउड पे नहीं होगा। ओके मैम, एक्सेस खोला सबने? यस मॉम। खोलते ही क्या आया, ब्लैंक डेटाबेस। खोलते ही आ गया ब्लैंक डेटाबेस, राइट? आ गया। यस मैम, यस मॉम। उस पे क्लिक करके वी स्टार्ट क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ओके, तो मैं क्या करने वाली हूँ उसमें, मैं डायरेक्टली तुम्हें जो मैंने क्वेश्चन भेजा है उसकी हेल्प से मैं डिफरेंट जो भी कंसेप्ट है वो सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो द क्वेश्चन सेज दैट डिंक लिमिटेड मेंटेन्स अ डेटाबेस, एंड में लिखा है रिक्वायर्ड में क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड एज डिंक लिमिटेड। इट सेज क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड एज डिंक लिमिटेड। तो यहीं पे व्हेन वी आर क्रिएटिंग इट, व्हेन वी आर स्टार्टिंग इट, तो यहीं पे हम फाइल नेम क्या लिख देंगे, डिंक लिमिटेड, तो भी क्वेश्चन ने बोला। सबको वैसे मेरी स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स दिख रहा है क्या? यस मैम, इट इज विजिबल। तो डिंक लिमिटेड कहाँ आपको सेव करना है आप वो लोकेशन देख लो। क्लिक ऑन क्रिएट। इट इज ऑल वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू आई थिंक, कभी पहले किसी ने यूज नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा। नो मैम, तो बिल्कुल साथ साथ में एक एक स्टेप करते जाना, और कहीं पे भी जहां पे भी प्रॉब्लम हो तभी साथ साथ में पूछ लेना। ऑलराइट, अब ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे दिख रहा है एक टेबल वन बनी आ गई है। टेबल वन जो भी हम अपनी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे लाइक टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे वो सारी लेफ्ट पेन में यहाँ पे सारी रिफ्लेक्ट होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। प्लस उनमें से जो भी खुली हुई होगी उस टाइम पे तो वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, तो अगर एक टेबल के साथ में एक क्वेरी भी खुली है तो वो इसके साथ में यहाँ पे एक और टैब आ जाएगा। ऑलराइट, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे हमारे विजिबल होंगे और जो खुले हुए हैं उनमें से वो यहाँ पे टैब्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, वील स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज टेबल। वील फर्स्ट लर्न हाउ डू वी मेक टेबल्स इन डेटाबेस, धीरे धीरे करके बाकी ऑब्जेक्ट सीखेंगे। तो टेबल में एक टेबल तो ये ऑलरेडी बनी हुई आ रही है, तो ये टेबल में जो रोज होती हैं उसे हम एक्सेस में या किसी भी डेटाबेस में उसे हम बोलते हैं रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स। और जो कॉलम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं फील्ड्स। ठीक है, तो जो हमें अभी तक बना कर दिया है इन्होंने, सिर्फ एक फील्ड बना कर दी है दैट इज आईडी। ठीक है, और रिकॉर्ड्स कोई भी नहीं है, हम जितने चाहे यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। बट फील्ड्स भी तो हमें अपनी मर्जी की चाहिए, मतलब कॉलम्स की हेडिंग्स भी तो हमें अपनी मर्जी की चाहिए। तो हम टेबल को पहले करते हैं डिजाइन। तो इसके लिए हम यहाँ व्यू टेबल, टेबल टूल्स में टेबल फील्ड्स पे जो आ रहा है बाय डिफॉल्ट व्यू, व्यू में जाके चेंज कर दो। द करंट व्यू इज कॉल्ड डेटा शीट व्यू, जिसमें हमें डेटा एक्चुअल में एंटर करना है दैट इज डेटा शीट व्यू, एंड जिसमें हमें टेबल को डिजाइन करना है दैट इज द डिजाइन व्यू, दैट इज द डिजाइन व्यू। जैसे डिजाइन व्यू पे क्लिक किया इट इज आस्किंग अस टू सेव दिस टेबल। द क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन यू पीपल दैट सेज दैट वी हैव टू मेक टू टेबल्स,
one by the name of employee and the other by the name of pay details, right? So this table, let's save by the name of employee. Give this table the name employee and click OK. So as we click OK, we get this design view. ठीक है, डिजाइन व्यू में फील्ड नेम मतलब वही कॉलम की हेडिंग्स आपको क्या क्या चाहिए वो हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी, कितने कॉलम्स, उनकी क्या क्या हेडिंग्स चाहिए, उन कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा. सो लाइक इफ यू हैव टू एंटर नेम, तो नेम का टाइप क्या होगा टेक्स्ट. इफ यू वॉन्ट टू एंटर सैलरी, सैलरी का टाइप क्या होगा नंबर और करेंसी. ठीक है, या फिर आपको डेट एंटर करनी है तो उसका डेट का अलग टाइम फॉर्मेट है, राइट. उसके बाद है डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में ब्रैकेट में लिखा ऑप्शनल, दिस डिस्क्रिप्शन इज फॉर योर ओन पर्पस ओनली. ये आपकी टेबल में जब आप डेटा एंटर करोगे तो आपको दिखेगा नहीं, बट कुछ ऐसा है कि आपको अपने पर्पस के लिए करना है तो आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो. ठीक है, सो नाउ लेट्स मेक दिस फर्स्ट टेबल, एम्प्लॉय टेबल. एम्प्लॉय टेबल में उसने हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, देर आर फोर फील्ड टू बी क्रिएटेड, सो लेट्स क्रिएट दोज फील्ड वन बाय वन. आईडी बाय डिफॉल्ट है, आईडी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एम्प्लॉई कोड. सो वील राइट एम्प्लॉई कोड. एम्प्लॉई कोड नेक्स्ट है एम्प्लॉई नेम. नेक्स्ट डिपार्टमेंट and last is experience. Last is experience. अब now coming to the first field, employee code. अगर हम यहाँ पे by default data type क्या आ रहा है short auto number. Auto number मतलब कि वो अपने आप ही access numbers generate कर देगा. But if we are making a database for a company, that means उन्होंने अपने employee codes दिए होंगे हर एक employee को, हमें मतलब खुद एंटर करने पड़ेंगे. तो इसके लिए हम यहाँ ऑटो नंबर नहीं सिलेक्ट करेंगे, इसकी जगह कुछ भी जो तुम्हें सही लगता है. तो इफ यू थिंक आपकी कंपनी कुछ ना कुछ, जैसे अगर ऐसा है C101 और D1 और A2 समथिंग ऐसा कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं अगर राइट. अगर लगता है एक्चुअली एम्प्लॉई कोड के लिए शॉर्ट टेक्स्ट इज राइट. अगर हम कुछ और करते हैं जैसे, अच्छा नंबर है, नंबर कहाँ यूज होता है, व्हेन वी नो कि हमें उसको यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करनी है. गेटिंग द पॉइंट, जैसे अगर हम एम्प्लॉई कोड है, इवन इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, इवन इफ सबके एम्प्लॉई कोड 101, 102, 103 ऐसे हो, तब भी हम उनपे कैलकुलेशंस तो नहीं करेंगे ना, 101 प्लस 102 तो नहीं करेंगे ना. तो हमें उसमें नंबर डालने की जरूरत नहीं है, हम उसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हैं. Because short text includes numbers as well as alphabets both. All right. Short text, जैसे मैंने select किया, नीचे उसका description आ गया, the field properties. So short text क्या कहता है, that this field size is 255 characters. So up to 255 characters you can add a code here, your employee code here. ठीक है? If you want to reduce it, you can reduce it to anything. So अगर आप कंपनी में सिर्फ 200-300 एम्प्लॉयज हैं, तो आपको पता है सबका जो कोड है 101-201 सिर्फ ऐसे 3 डिजिट्स का होगा, तो आप यहाँ पे फील्ड साइज 255 की जगह 3 कर सकते हो. उसके बाद जब आप डेटा एंटर करोगे तब आप 3 से ज्यादा नहीं कर पाओगे, 3 कैरेक्टर से ज्यादा आप डेटा एंटर नहीं कर पाओगे. गेटिंग द पॉइंट? यस मैम. यस मैम. ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉई कोड के डिस्क्रिप्शन में लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय और ब्रैकेट में लिखा है प्राइमरी की. अच्छा, अब दिस डिस्क्रिप्शन इज योर विच, इफ यू वांट टू राइट द डिस्क्रिप्शन तो तुम यहाँ लिख लो, मर्जी है, बट दिस इज यू नो वी कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम ऑफ द फील्ड इटसेल्फ, तो हमें जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन की. बट ब्रैकेट में लिखा है प्राइमरी की. प्राइमरी की होता है एक यूनिक फील्ड, एक यूनिक फील्ड जिसमें हर एक रिकॉर्ड विल बी यूनिक. मतलब टू persons कैन हैव सेम नेम, सो दैट मीन्स नेम्स कैन नॉट बी यूनिक, राइट. सो नेम्स फील्ड कैन नॉट बी अ प्राइमरी की.
However, employee code, since एक एम्प्लॉय को एक ही कोड, मतलब हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग कोड मिलेगा, सो एम्प्लॉय कोड कैन बी अ प्राइमरी की, समथिंग विच कैन डिफरेंशिएट ऑल द एम्प्लॉयज, विच कैन डिफरेंशिएट ऑल द रिकॉर्ड इन द डेटाबेस, दैट इज आवर प्राइमरी की. ठीक है, तो इसने बोला है कि इसको प्राइमरी की बना दो. ब्रैकेट में लिखा है बाय डिफॉल्ट, देखो एम्प्लॉय कोड के लेफ्ट साइड पे की बनी हुई आ रही है छोटी सी. ठीक है, अगर जिस किसी के में नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय कोड के लेफ्ट पे जाके राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक पे प्राइमरी की का ऑप्शन आ जाएगा. इफ दैट इज नॉट सिलेक्टेड देन सिलेक्टेड, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट गेटिंग अ की हियर, मेक इट अ प्राइमरी की, राइट क्लिक करके प्राइमरी की पे क्लिक करो. ठीक है, इसका आगे भी यूज होगा, मैं बताती हूँ और क्या बताऊंगी धीरे धीरे जहां पे यूज होगा. फिलहाल ये समझो कि दिस डिफरेंशिएट ऑल द रिकॉर्ड्स, और हम अगर चाहें भी तो एम्प्लॉई कोड में हम दो कोड्स हम सेम नहीं डाल सकते हैं. ठीक है, जो मैं चीजें तुम्हें बोल रही हूँ ना, जब तुम अभी डेटा एंटर करोगे तब तुम ये ट्राई कर सकते हो. जैसे कि अभी हमने कोड में 3 कैरेक्टर्स डाल दिए मैंने, तो यू जस्ट ट्राई राइट, यू नो, इंस्टेड ऑफ 3 कैरेक्टर्स राइट पुटिंग इन 4 कैरेक्टर्स, ट्राई पुटिंग इन 4 कैरेक्टर्स एंड देन सी कि क्या होता है, और ट्राई रिपीटिंग एम्प्लॉय कोड फॉर 2 डिफरेंट एम्प्लॉयज, तब देखो क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय नेम. एम्प्लॉय नेम में भी टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट चल जाएगा. अब इसमें फील्ड साइज 255, ओनली इफ यू विश टू तुम इसको कम कर सकते हो, मतलब जनरली 255 कैरेक्टर्स का किसी का नाम नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी है कम करना चाहो तो, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज. ठीक है, नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट के क्वेश्चन में, डिस्क्रिप्शन में लिखा है फाइनेंस मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स, दैट मीन्स अ पर्सन, एन एम्प्लॉय कैन बी अ पार्ट ऑफ ईदर ऑफ दीज 3 डिपार्टमेंट्स, राइट. तो इसके लिए जब भी ऐसे ऑप्शंस होंगे हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी होगी, कि जब हम ताकि टेबल में डेटा एंटर करें तो हम लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें कि इन तीनों ऑप्शन में से एक होगा. तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट वाले के डेटा टाइप पे जाकर, डिपार्टमेंट के डेटा टाइप पे एरो पे जाके लास्ट ऑप्शन है लुकअप विजार्ड. लुकअप विजार्ड, ठीक है, इसमें आया दिस विजार्ड क्रिएट्स अ लुकअप फील्ड विच डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज यू कैन चूज फ्रॉम. आई वॉन्ट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी. डू वी हैव एनी अदर टेबल येट? नो. आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वॉन्ट. उस लिस्ट में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, आई विल टाइप दोज वैल्यूज, देन क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट एंड देन गिव द वैल्यूज. क्या क्या चाहिए हमें, फाइनेंस मार्केटिंग एंड एचआर. ठीक है, वंस यू आर डन क्लिक ऑन नेक्स्ट. इस फील्ड का नाम क्या है, डिपार्टमेंट है. डू यू वॉन्ट टू लिमिट एंट्रीज टू द चॉइसेस, क्लिक ऑन लिमिट टू लिस्ट. इसका मतलब अ यूजर कैन नॉट एंटर एनी अदर वैल्यू बिसाइड्स द लिस्ट. ओके, वी आर लिमिटिंग द चॉइसेस टू द लिस्ट इटसेल्फ. देन द सेकेंड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन इज डू यू वॉन्ट टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज फॉर दिस लुकअप. मतलब कैन अ यूजर सिलेक्ट मोर देन वन वैल्यूज इन दिस ऑप्शन. अगर डिपार्टमेंट तो किसी का एक होगा ना, वो एक से ज्यादा तो सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो हम इसको भी टिक कर देंगे. और सॉरी, टिक नहीं करेंगे, टिक करेंगे तो इट कैन अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, हम टिक नहीं करेंगे तो एक पर्सन एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग कर पाएगा. देन फिनिश. ठीक है, लास्ट इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस का ही सेम थिंग. इफ यू थिंक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे आपको बाद में जाके कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो आप इसको चेंज करके कर दो नंबर. अगर जरूरत नहीं है तो आप उसे टेक्स्ट छोड़ सकते हो.
अच्छा, अब ये जो सारे टाइप्स हैं, नंबर में जाके जो फील्ड प्रॉपर्टीज में बाय डिफॉल्ट आ रहा है लॉन्ग इंटीजर, इन सब के भी ना लिमिट होती है, आई मीन बाइट है और क्या क्या है, 1 मिनट, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, तो इन सब की लिमिट है कि इफ यू सिलेक्ट बाइट तो आप इतने ही कैरेक्टर्स एंटर कर पाओगे, अगर आप इंटीजर करते हो तो इतने ही नंबर्स तक आप एंटर कर पाओगे, इन सब की लिमिट है, बाय डिफॉल्ट लॉन्ग इंटीजर है, लेट इट बी. ठीक है, सो वी आर डन विद दिस टेबल, हमने डिजाइन कर लिया है. डिजाइन करने के बाद हम इसका व्यू चेंज कर सकते हैं. व्यू चेंज करने के बाद वो क्या बोल रहा है, सीधा यू यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल. यू वांट टू सेव सेव द टेबल नाउ? यस. अब ये वाला व्यू देखा हमने, तो हमारे वही चार फील्ड आ गई जो हमने बनाई है. लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 6 एम्प्लॉइज. तो अब एक एक करके हम 6 की एंट्री कर देंगे, बट वो बाद में करेंगे. उससे पहले हम क्या करेंगे, अब एक और टेबल बनाएंगे. दिस वॉज द फर्स्ट टेबल जो हमने डिजाइन की. क्वेश्चन ने बोला है 2 टेबल्स बनाओ, अब सेकेंड टेबल डिजाइन करते हैं. इस वाली को टेबल को जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे खुली हुई है, हम चाहे तो उसे बंद कर सकते हैं. वो उस वाले ऑब्जेक्ट की देखो, आई मीन उसकी देखो, जहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, वहीं पे राइट साइड पे जाके जी क्रॉस मैम, करा है. हाँ बोलो. मैम मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैम वो नंबर के बाद एक्सपीरियंस में उसके बाद उसको सेव कैसे करना है? सेव कैसे करना चाहिए, यहाँ पे क्लोज कर दो. क्लोज, हर एक ऑब्जेक्ट को जब भी तुम क्लोज करोगे, क्लोज करने से पहले वो पूछ लेगा कि सेव करना है. डू नॉट क्लोज द डेटाबेस, क्लोज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स क्रिएट अनदर टेबल. उसके लिए क्रिएट टैब पे जाएंगे, होम के साइड में नेक्स्ट टैब इज क्रिएट. क्रिएट टैब पे जाके टेबल डिजाइन, टेबल डिजाइन. अब सेकंड टेबल का देख लें, एक फील्ड है सेम वही एम्प्लॉई कोड. एम्प्लॉई कोड में हमने उधर डेटा टाइप क्या डाला था, शॉर्ट टेक्स्ट, राइट, यस मैम। शॉर्ट टेक्स्ट, एंड फील्ड साइज में हमने डाला था 3. अब ये जो सेकंड टेबल का एम्प्लॉई कोड का डिस्क्रिप्शन है, उसके ब्रैकेट्स में लिखा है फॉरेन की. ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉरेन की. फॉरेन की हम ऐसे कुछ बनाते नहीं है टेबल में. उसका काम क्या होता है कि जब हम 2 टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, 2 टेबल्स को रिलेट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमें एम्प्लॉई कोड जो प्राइमरी है उससे रिलेशनशिप बनाना है जो फॉरेन की है. मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप बनता है, बस ये बताने के लिए उसने हमें क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, मतलब जिस भी फील्ड से हमें रिलेशन बनाना है, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन की. ऑल राइट, तो एम्प्लॉई कोड इन दिस केस विल बी फॉरेन की. नाउ अनदर थिंग इज, दो चीजें जो भी है जिनमें रिलेशनशिप होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम सेम होने चाहिए. मतलब जो मैंने फर्स्ट टेबल में डेटा टाइप डाला था, वही सेम डेटा टाइप यहाँ होना चाहिए. जो फर्स्ट टेबल में फील्ड प्रॉपर्टीज थी, वही सेम यहाँ पे होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ वहां पे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट डाला था और 3 डाला था, यहाँ पे भी वही होना चाहिए. देन सेकेंड फील्ड नेम इज बी पे. बी पे इज फॉर बेसिक पे. बी पे इज फॉर बेसिक पे. बेसिक पे पे हम आगे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो इट शुड बी नंबर या करेंसी. इन आर केस एक्चुअली इट शुड बी करेंसी. करेंसी में जाके, अच्छा अब इसमें देखो, दोनों टेबल्स के नीचे रिक्वायर्ड का फर्स्ट पार्ट इज क्रिएट अ डेटाबेस दैट वी हैव डन. रीड द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट सेज, व्हाइल एंटरिंग द डेटा इन पे डिटेल्स टेबल, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द बेसिक पे डज नॉट एक्सीड 50,000. बेसिक पे के नॉट एक्सीड 50,000, सो इट कैन बी लेस देन इक्वल्स टू 50,000. तो इसके लिए हम टेबल को डिजाइन करते हुए ही हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं. कहाँ डालते हैं, वैलिडेशन रूल. मेक श्योर आप बी पे
बी पे ही हो, मतलब बी पे वाले फील्ड पे ही जब आप हो तभी आप उसी की प्रॉपर्टीज पे हो, तभी आप डालो ये रूल। तो वैलिडेशन रूल में हम डाल देंगे लेस देन इक्वल्स टू 50,000, लेस देन इक्वल्स टू 50,000, दैट मीन्स इसका रूल है कि यहाँ पे सैलरी इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और उसके नीचे है एक ऑप्शन वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन टेक्स्ट में मतलब कि अगर किसी ने 50,000 से ज्यादा डाल दी तो क्या एरर मैसेज आना चाहिए, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सपोज हम यहाँ पे चाहते हैं सैलरी के नॉट बी अच्छा मोर देन 50,000, ठीक है, सैलरी के नॉट बी मोर देन 50,000, तो ये वो मैसेज है, अगर हम ज्यादा डाल देते हैं तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसे भी क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे तो वो सेव करने के लिए बोलेगा, डू यू वॉन्ट टू सेव द चेंजेस, यस, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस टेबल, पे डिटेल्स, क्वेश्चन में ही गिवन है उस टेबल का नाम पे डिटेल्स। देन इट्स सेइंग दैट ऑल्दो अ प्राइमरी की इजंट रिक्वायर्ड, इट्स हाईली रिकमेंडेड। डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ प्राइमरी की नाउ? नो, वी डोंट वॉन्ट, क्वेश्चन ने हमें नहीं कहा, हमें जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या सब लोग इस स्टेप तक पहुंच गए हैं, सबने दोनों टेबल्स बना दी, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो भी पूछो। इफ यू आर डन देन स्टार्ट एंटरिंग डेटा फॉर 6 एम्प्लॉइज इन बोथ ऑफ दीज टेबल्स। हाउ डू वी डू दैट? टेबल पे डबल क्लिक करो, वो वाली टेबल खुल जाएगी, ठीक है, दोनों खोलनी है दोनों खोल लो, ऊपर दोनों टैब दिख जाएंगे, यू कैन टॉगल बिटवीन द टू टैब्स। एंटर डेटा फॉर 6 एम्प्लॉइज। अब जो जो हमने कंडीशंस डाली है, जैसे कि प्राइमरी की है एम्प्लॉय कोड, तो दो एम्प्लॉयज के सेम प्राइमरी की सेम एम्प्लॉय कोड डाल के देखो क्या हो रहा है, ठीक है, बेसिक पे 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डालकर देखो क्या तुम्हारा वो मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है जो तुमने वहां पे एरर के लिए मैसेज डाला था। हाँ मैम, शो हो रहा है। यस मैम, हो रहा है। डिपार्टमेंट में सबके ऑप्शंस आ गए ना? यस मैम, आ गए। यस मैम मेरा नहीं आ रहा। वापस से जाओ उसके डिजाइन पे जाओ, एम्प्लॉय टेबल जब सिलेक्टेड है उसका यहाँ से व्यू चेंज करो। व्यू चेंज करने के बाद डिपार्टमेंट के डेटा टाइप पे जाके एरो से क्लिक करके लुकअप विजार्ड पे जाओ और फिर से वही सेम स्टेप्स फॉलो करो।
Are we done? Yes, ma'am. जब आप डेटा एंटर करते हो वो अपने आप ही सेव होता जाता है, ठीक है, हमें बार बार कुछ सेव करने की उसे जरूरत नहीं है। जैसे मैंने एम्प्लॉई टेबल में डेटा ऐड किया, आई सिंपली क्लोज दिस टेबल, वो सेव्ड है अभी भी। इसके बाद अभी हम सीखने वाले हैं कि इन दोनों टेबल्स में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, ताकि वो अगर हम एक टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं वो दूसरे में ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। बट रिमेम्बर दिस थिंग, वो रिलेशनशिप के लिए कंडीशन क्या है कि अगर एम्प्लॉई कोड से एम्प्लॉई कोड में करना है तो दोनों में सेम होने चाहिए डिटेल्स, ठीक है। सो दैट मीन्स जो मेरा एम्प्लॉई टेबल में एम्प्लॉई कोड्स हैं, मेक श्योर द सेम एम्प्लॉई कोड्स आर देयर इन दिस पे डिटेल्स टेबल। इवन दो यू कैन एंटर डिफरेंट वन, सिंस पे डिटेल्स टेबल में, सिंस इन द सेकेंड टेबल वी हैवन स्पेसिफाइड अ प्राइमरी की, दैट मीन्स एम्प्लॉई कोड दो भी हो सकते हैं, कोई डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट वो हम यूज नहीं कर पाएंगे जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, वो क्रिएट नहीं करेगा, वो बोलेगा एरर है, पहले जाके अपनी टेबल चेक करके आओ। तो इसीलिए पहले ही हमें ध्यान रखना है जो उसमें है डेटा। वो डेटा सेम रखना है हमें। ओके, सो आई ट्राइड एंटरिंग 60,000, से सैलरी कैन नॉट बी मोर देन 50,000। ठीक है, आई हैव मेड बोथ द टेबल्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन द सेम। 6 एम्प्लॉइज की डिटेल्स हो गई। I'm just doing it. Ma'am, could you please open your pay detail tab? Thank you, ma'am. डन? यस मॉम। मैम डन।
close the tables, click on database tools tab. There's an option of relationships. Relationships. ठीक है, वो क्लिक करते ही जो अभी तक हमने टेबल्स बनाई हुई है वो दोनों हमें एक डायलॉग बॉक्स में दिख रही हैं. इन दोनों पे एक एक करके ऐड कर दो, इन दोनों पे एक एक करके क्लिक करके ऐड कर दो. तो दोनों टेबल्स हमें यहाँ रिलेशनशिप वाले टैब में दिखाई दे जाएंगे. ठीक है, करने के बाद इस वाले डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दो, जो शो टेबल वाला डायलॉग बॉक्स था सिर्फ उसे क्लोज करना. ठीक है, अब क्या करना है, एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करके ड्रैग करके पे डिटेल्स टेबल में एम्प्लॉय कोड पे ड्रॉप करना है. एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय कोड है उस पे क्लिक करके उसे ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करके पे डिटेल्स की एम्प्लॉय कोड पे जाके ड्रॉप करना है. ठीक है, ये करते ही एक नया आया विच सेज एडिट रिलेशनशिप्स. तो द रिलेशनशिप इज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय कोड फील्ड टू पे डिटेल्स टेबल एम्प्लॉय कोड फील्ड. ठीक है, अब इसके नीचे एक ऑप्शन है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी. सिलेक्ट दिस ऑप्शन, देन जैसे हमने उसे सिलेक्ट किया तो दो और ऑप्शन हाईलाइट हो गए, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स एंड देन कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स. इन सबको टिक कर दो. इनका मतलब क्या है, लास्ट इज कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स. मतलब इफ यू डिलीट, ओके नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस जो हमारी मेन टेबल है जहां से हमने दूसरी पे रिलेशनशिप क्रिएट किया या जहां पे हमारी प्राइमरी की है उसको हम बोलते हैं पेरेंट टेबल एंड द अदर टेबल इज कॉल्ड चाइल्ड टेबल. सो हियर आर एम्प्लॉयज टेबल इज कॉल्ड आर पेरेंट टेबल एंड पे डिटेल्स इज द चाइल्ड टेबल. सो इफ आई डिलीट एनी ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द पेरेंट टेबल इट विल ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड इन द चाइल्ड टेबल आफ्टर आई क्रिएट दिस रिलेशनशिप. ठीक है, तो कैस्केड डिलीट का मतलब ये है कि मैंने वो टिक कर दिया, इसका मतलब जो एक से अगर मैं डिलीट करती हूँ तो वो बाकी से भी डिलीट हो जाएगा. ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स. कैस्केड अपडेट मतलब कि अगर मैं एक टेबल में किसी का सपोज एम्प्लॉई कोड चेंज कर दूं 101 से 102 कर दूं तो वो रिलेटेड सारे टेबल्स में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो कोई भी अगर हम अपडेशंस करते हैं कोई भी डिलीशंस करते हैं एक में वो सब में चेंज हो जाएगा. वंस वी टिक दीज थ्री ऑप्शंस देन क्लिक ऑन क्रिएट. दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड वन टू मेनी. वन टू मेनी, तुम देखो अगर ध्यान से एक लाइन बनी हुई आ गई है और पहले वाले टेबल के पास लिखा है वन, दूसरी वाले टेबल के पास इंफिनिटी का साइन बना है. दिस इज अ वन टू मेनी टाइप रिलेशनशिप. जो बीच में लाइन है ना, दिस शोज द रिलेशनशिप. मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो वापस वो एडिट रिलेशनशिप्स वाला खुल के आ जाएगा. चलो एनीवे, सो दिस इज One to many का क्या मतलब है, फर्स्ट जो टेबल है उसमें प्राइमरी की है, मतलब हर एक रिकॉर्ड एक बार ही हो सकता है, मतलब एक एम्प्लॉई कोड रिपीट नहीं हो सकता. ऑलराइट, दूसरी टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो मतलब एक रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है. व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन सपोज एक एम्प्लॉई है जो दो प्रोजेक्ट्स में साइमल्टेनियसली काम कर रहा है. ठीक है, तो जो बेसिक डिटेल्स वाली है एम्प्लॉय की टेबल जिसमें प्राइमरी की है उसमें तो उस एम्प्लॉय का एक ही बार रिकॉर्ड होगा, बट सेकंड टेबल में सपोज उसके प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है तो उसमें दो बार उसका नाम हो सकता है कि दैट दिस पर्सन इज वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एंड देन अनदर रिकॉर्ड दैट दिस पर्सन इज वर्किंग इन दिस रिकॉर्ड ऑल्सो. क्योंकि हमने उस सेकेंड टेबल में प्राइमरी की एस्टैब्लिश नहीं की है.
अंडरस्टूड, मतलब वन रिकॉर्ड, देयर कैन बी वन रिकॉर्ड. हां मैम, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन, वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था. और ये रिलेशनशिप वाला हो गया था तुम्हारा? हां मैम, टेबल बन गई थी मेरे दोनों, टेबल के बाद ये रिलेशनशिप वाला हुआ. नो, ये जो टैब दिख रहा है, नहीं नो मैम. ये दोनों बनाने के बाद हम डेटाबेस टूल्स पर जाएंगे. डेटाबेस टूल्स टैब पे ऑप्शन है रिलेशनशिप्स. ओके ठीक है. बाय डिफॉल्ट तुम्हारा एक शो टेबल करके आ रहा होगा. हाँ मैम, ऐसा आ रहा है. इन दोनों में जो हमने इस पे हमने जो दो टेबल्स बनाई है वो दोनों लिस्ट हो गई. दोनों को एक एक करके ऐड कर दो. यस मैम, कर लिया. ठीक है, ऐड करने के बाद क्या करना है, एम्प्लॉय कोड जो प्राइमरी की है फर्स्ट टेबल में, उस पे क्लिक करके ड्रैग करके एम्प्लॉय कोड जो पे डिटेल सेकंड टेबल में, जो सेकंड टेबल में है, उस पे जाके ड्रॉप कर दो. ओके मैम. ड्रॉप करने के बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स खुल के आया. हाँ मैम. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो ये तीनों नीचे के ऑप्शन है ना, इन तीनों को टिक करना है. ओके करता हूँ. इन तीनों को टिक करने से क्या होगा, कैस्केड डिलीट, कैस्केडिंग इफेक्ट. पता है कि आपने कुछ चीज किया उसका इम्पैक्ट काफी सारी चीजों पे पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैस्केडिंग. ठीक है, तो यहाँ टेबल में क्या हो रहा है, कैस्केड डिलीट, मतलब अगर आप एक टेबल में डिलीट करोगे, पेरेंट टेबल में अगर आप डिलीट करोगे तो चाइल्ड टेबल में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड. एंड विच इज योर पेरेंट टेबल, द मेन टेबल जहाँ पे आपकी प्राइमरी की है. यस मैम. ठीक है, सिमिलरली इफ यू अपडेट समथिंग इन वन टेबल, अनदर टेबल विल गेट ऑटोमेटिकली अपडेटेड इफ वी सिलेक्ट दीज ऑप्शन. क्लिक ओके. अच्छा, यहाँ पे भी देखो रिलेशनशिप टाइप में लिखा है वन टू मेनी, क्योंकि फर्स्ट टेबल में हमारा हर एक का एक ही रिकॉर्ड हो सकता है, बट सेकंड टेबल में हर एक का एक से ज्यादा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, जो मैं एग्जांपल दे रही थी कि अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसकी मेन इन्फॉर्मेशन तो एक बार ही होगी, मेन रिकॉर्ड जो फर्स्ट टेबल में वो तो एक बार ही होगा, बट सेकेंड टेबल में सपोज वो, मैं ऐसा कुछ बना रही हूँ सेकेंड टेबल कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं. तो एक एम्प्लॉई अगर तीन प्रोजेक्ट्स पे कर रहा है तो एक एम्प्लॉई का तीन बार रिकॉर्ड आ जाएगा. तो इसलिए दिस इज अ वन टू मेनी रिलेशनशिप. अगर हम सेकेंड टेबल में भी प्राइमरी की डिफाइन कर देते कि एम्प्लॉई कोड को प्राइमरी की, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड टेबल में भी एक एम्प्लॉई का एक ही बार आ सकता है नाम, तो वो हो जाता है वन टू वन रिलेशनशिप. ओके ओके. सो वंस दिस इज डन, अगेन क्लोज दिस रिलेशनशिप टैब. जब हम क्लोज करते हैं तो वो पूछता है सेव. यस, सेव इट. नाउ रिलेशनशिप इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज समथिंग, इट इज अ रिलेशनशिप दैट वी हैव क्रिएटेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बट इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ, हेंस इट्स नॉट लिस्टेड हियर ऑन आवर लेफ्ट पेन. ठीक है, इट इज क्रिएटेड बट नॉट लिस्टेड हियर. अब क्या करो, अब ना एम्प्लॉई वाले टेबल को खोलकर देखो. एक तो हर एक एम्प्लॉई कोड से पहले एक प्लस साइन बन के आ गया, इसका मतलब जो ये दूसरी टेबल से हमने रिलेट किया है ना, उसकी इंफॉर्मेशन भी हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगी. ठीक है, सेकेंडली कुछ चेंज करके देखो तुम इस टेबल में, इन दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है, बस एम्प्लॉई कोड कॉमन है ना. फर्स्ट टेबल में एम्प्लॉई कोड को चेंज कर दो, 101 से 102 कर देते हैं, फिर देखते हैं सेकंड टेबल में वो हुआ कि नहीं हुआ. एक मिनट, उसे क्लोज करेंगे तभी होगा, क्योंकि क्लोज करके ही वो सेव होता है. सेकंड टेबल में भी देखो 102 हो गया. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट टेबल में कुछ कोई किसी एक एम्प्लॉई का रिकॉर्ड डिलीट कर दो. डिलीट कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड मतलब उस पूरी रो को, उस पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट रिकॉर्ड. जैसे डिलीट रिकॉर्ड किया उसने क्या बोला, रिलेशनशिप्स दैट स्पेसिफाई कैस्केडिंग डिलीट्स आर अबाउट टू कॉज वन रिकॉर्ड इन दिस टेबल अलोंग विद रिलेटेड रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड टेबल्स टू बी डिलीटेड.
Are you sure you want to delete these records? Yes. मतलब ये इसमें भी डिलीट हो गया और ये सेकेंड टेबल में भी डिलीट हो गया. आज के लिए बस इतना ही. कल हम और क्वेरी बनाना सीखेंगे. एक्सक्यूज मी मैम. मैम जब डिलीट करने के बाद वापस ऐड करेंगे. हाँ आ गया कोई. हाँ मैम जब डिलीट करने के बाद वापस ऐड करेंगे तो पे डिटेल्स में नहीं आ रहा वो. नहीं तो कैसे आएगा पे डिटेल्स? उस टेबल में अपने आप डालोगे तभी तो आएगा. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो अपडेट होगा. अपने आप ही वो बेसिक पे कहाँ से लेके आएगा? ओके अटेंडेंस ले रही हूँ मैं. हर्ष. यस मैम. अनुष्का. प्रेजेंट मैम. अलेक. निमिषा. अनुप्रिया. निमिषा कहाँ है? किसी को पता है? तबीयत ठीक है उसकी? मैम तबीयत तो उसकी अब ठीक है. उसकी खराब हो गई थी अभी 2 दिन पहले और आज कैसे है मैं. ओके ओके. आयुषी. आयुषी. जैनब. कार्तिक. प्रेजेंट मैम. चेतन. प्रेजेंट मैम. तनुष. प्रेजेंट मैम. रिदम. प्रेजेंट मैम. शुभ. यस मैम. निपुण. मधुर. प्रेजेंट मैम. ध्रुवित. प्रेजेंट मैम. पलक. प्रेजेंट मैम. वेदांत. प्रेजेंट मैम. अनन्या. हार्दिक. प्रेजेंट मैम. पुनीत. प्रेजेंट मैम. तुषार. प्रेजेंट मैम. पुनीत. प्रेजेंट मैम. अभिषेक. प्रेजेंट मैम. मयंक. ताजिया. प्रेजेंट मैम. इरफान. प्रेजेंट मैम. अच्छा वेट. थैंक यू. क्लास इज ओवर. दोज हु आर डन दे कैन लीव. दोज हु आर डन विद देयर अटेंडेंस आल्सो दे कैन लीव. तंजीम. मैम माय अटेंडेंस इज लेफ्ट. तंजीम. प्रेजेंट मैम. अमता. प्रेजेंट मैम. भव्य. प्रेजेंट मैम. रचित. प्रेजेंट मैम. निखिल. यस मैम. और सुमनदीप. अब बोलो कोई रहता है आप? मैम 2110. जसविन. यस मैम. कब ज्वाइन की थी क्लास तुमने? मैम अराउंड 5:35. ओके. बाकी सबकी मांग थे? कोई रह तो नहीं गया? किसी को कुछ पूछना है? एक्चुअली मैम यस. बोलो. मैम जब आपने ये बीच में टेस्ट लिया था एक्सेल का तो जब मेरा टर्न था उससे पहले आई वाज डायग्नोस्ड विद डेंगू.